एक सेकंड, क्या आपका बजट भी लो है? डेली बजट आपका सिर्फ 500 से 2000 के बिटवीन है और आप लोग टिकटॉक ऐड चलाना चाह रहे हो, सेल्स भी ज्यादा चाहिए, कन्वर्जन भी आपको ज्यादा चाहिए और आप लोग अपनी एड स्केलिंग को बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो गाइस वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीट डिटेल से कि आप लोग अपने लो बजट के अंदर अंदर रहते हुए अपनी टिकटॉक एड्स को अच्छे से किस तरीके से चला सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने टिकटॉक एड्स मैनेजर ओपन करके रखा हुआ है। मेरे पास एक टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। अब हम लोग इस बात में नहीं जाएंगे, हम लोग आज देखेंगे कि हम लोगों ने लो बजट में रहते हुए किस तरीके से अपनी एड्स को अच्छे तरीके से रन करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर टूल्स, एक आपको ऑप्शन मिलेगा, टूल्स में आके आप लोगों ने क्रिएटिव लाइब्रेरी का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्रिएटिव लाइब्रेरी पे आ जाओगे तो इधर आप लोगों को लेफ्ट साइड पे एक स्पार्क एड्स पोस्ट मिलेगी, आप लोगों ने स्पार्क एड्स चलानी है। स्पार्क एड पोस्ट पे आप लोग जैसे क्लिक मारोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इधर ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है, ये शो हो रही है लेकिन आपको कुछ भी नहीं शो होगा। अब आप लोगों ने इधर अप्लाई फॉर ऑथोराइजेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक मारोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी छोटी सी, अप्लाई ऑथोराइजेशन के लिए कह रहे हैं। अब इधर वो कह रहे हैं कि टिकटॉक पोस्ट का आप लोग कोड इधर पेस्ट करो। अब टिकटॉक पोस्ट का कोड किस तरीके से निकालना है वो देख लेते हैं। आप लोगों को इधर साइड पे मेरी मोबाइल स्क्रीन शो हो रही होगी, तो यार आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल पे एक टिकटॉक अकाउंट अलहदा से बना लेना है। उस पे आप लोगों ने अपने शॉप से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस डालनी है, जो भी आप एड चलाना चाह रहे हो। अभी तो देखो इस अकाउंट पे मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं अपनी स्टोर से रिलेटेड, अपनी शॉप से रिलेटेड। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी वीडियो ओपन कर लेनी है, जैसे कि मैं ये एक हुडी है इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इधर से आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है और सेकंड लास्ट जो ऑप्शन होगा ना एड सेटिंग का, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी। अभी इधर आप लोगों ने सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा ना एड ऑथराइजेशन का, इसको आप लोगों ने ऑन कर लेना है। ये ऑफ होगा आपके, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको ऑन करके रखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद नीचे एक्सटेंड लिखा हुआ है, एक्सटेंड पे क्लिक करना है और इसको 365 डेज पे करके ऑथराइज कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे एक मैनेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इधर आप लोगों ने कॉपी कोड का ऑप्शन मिले, कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड जो है वो कॉपी हो गया है। इतना सा काम था, डेड सेट, बात खत्म। अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अब जो आप लोगों ने कोड कॉपी किया है ना, उस कोड को आप लोगों ने इधर आके पेस्ट कर देना है। सिंपल से पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग सर्च पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने सेम आपकी वो टिकटॉक वीडियो ओपन हो जाएगी। आपने अब इधर से कंफर्म इधर करना है, नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। इधर से आप लोगों ने वेबसाइट कन्वर्जन जो है ना इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम अपनी सेल्स जनरेट करने वाले हैं, अपने स्टोर पे हम लोगों ने सेल्स लेके आनी है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं कैंपेन नेम, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी नाम रख लेना है जो कि आप लोगों को याद रहे। मैं इधर रख देता हूँ प्रोडक्ट वन, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, याद रखना है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कोई भी ऑप्शन इधर से नहीं छेड़ना, हम लोगों ने सिंपल से कंटिन्यू कर देना है इसे। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने जो नेक्स्ट विंडो ये वाली आ जाएगी। अब इधर अगेन से एड ग्रुप नेम हमसे पूछे हैं, आप लोगों ने इसको इधर से सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट मार देना है, जो हम लोगों ने पीछे नाम रखा था सेम एज इट इज आप लोगों ने कॉपी पेस्ट मार देना उस नाम को। उसके बाद नीचे क्लिक करना है, टिकटॉक पिक्सल आ जाएंगे। आप लोगों ने अगर पिक्सल अभी तक नहीं क्रिएट किए और आप लोगों को नहीं पता कि कैसे पिक्सल्स बनाते हैं तो इधर आई बटन में वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो लाजमी से जाके देख लेना। अभी इधर मैंने ऑलरेडी एक पिक्सल बना के रखा हुआ है और मेरा जो पिक्सल है वो एक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं। इधर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स में आके आप लोगों ने प्लेस एन ऑर्डर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अपना ऑर्डर प्लेस करवाने वाले हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, इधर से ऑटोमेटिक की जगह आप लोगों ने सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है और हम सिर्फ पहला टिकटॉक पे चलाना चाह रहे हैं इस ग्लोबल को, बाकी दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऑफ कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सिंपल से आप लोगों ने। आप लोग कस्टमाइज टारगेटिंग भी कर सकते हो, इसमें क्या होता है कि आप लोग अपनी मर्जी से अपनी एज, जेंडर, हर चीज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको आप एड्स दिखाना चाह रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने इसको ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे रखना है, क्योंकि हमारा बजट लो है। मैं चाहता हूं कि हमारे लो बजट में हमारी स्पेंडिंग कम हो और ये हमें सेल्स ज्यादा जनरेट करके दे, क्योंकि एआई जो है वो हमसे ज्यादा एडवांस है, उसको पता है कि कौन सा बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड है और हमने किसको वो चीज दिखानी है। तो आप लोग ने इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देना है। अगर हमारा बजट ज्यादा होता तो हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज टारगेटिंग कर सकते थे, लेकिन अभी मैं ऑटोमेटिक इसको रखने वाला हूँ, आप लोगों ने भी यही करना है। लोकेशन में आके इसको जो भी लोकेशन होगी कैंसिल करते हैं। आप लोगों ने अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है,
इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी कंट्री आप टारगेट करना चाह रहे हो ना यूएई आप लोगों ने इधर से उसको टारगेट कर लेना है। मैं पाकिस्तान को करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। इसके अलावा आप लोग पाकिस्तान की और भी मतलब की जो सिटीज हैं जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, उनको भी टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली। लैंग्वेजेस ऑल रखनी है आप लोगों ने, इधर से कोई चेंजिंग नहीं करनी। बजट में आगे आप लोगों ने इधर से बजट जो है आप लोगों ने इधर $24 कर देना है। बजट मैंने आपको 24 इसलिए कहा है क्योंकि हमारी जो स्पेंडिंग होगी ना वो हम थोड़ी ही करेंगे, मतलब इनके $4, $5, $6 जो भी आप लोग अपनी स्पेंडिंग करना चाह रहे हो, लेकिन इधर आप लोगों ने जो मिनिमम बजट है वो 24 ही सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने भूलनी नहीं है। उसके बाद स्केड्यूल ऐसे ही रहने देना है, कोई चीज नहीं चेंज नहीं, इधर से हम लोग सारी की सारी चीज ऐसे रहने देंगे। और ऑप्टिमाइजेशन गोल में आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कन्वर्जन ही सिलेक्ट हो क्योंकि हमें कन्वर्जन जनरेट करनी है। इधर से आप लोगों ने मैक्सिमम डिलीवरी ही इसको रहने देना है और सिंपल से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। अब इधर से आप लोगों ने पहले क्रिएटिव नेम लिखा हुआ है ना इसको एडिट नहीं करना, आप लोगों ने नीचे जो आइडेंटिटी वाला ये ऑप्शन है ना इसको पहले ऑन करना है आप लोगों ने। जैसे इसको ऑन करोगे फिर इधर आप लोगों ने सिलेक्ट करके इधर वो नाम जो हमने कोई कॉपी किया हुआ है ना अपना प्रोडक्ट का जो भी आप लोगों ने रखा होगा वो आप लोगों ने पेस्ट करना है। मेक श्योर करना है कि पहले आइडेंटिटी ऑन करनी है फिर आप लोगों ने नेम पेस्ट करना है। उसके बाद सिंपल से नीचे स्क्रॉल करना है, लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। जैसे आप लोग लिंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वो आपका टिकटॉक अकाउंट आप लोगों ने लॉगिन करके रखना है अपने कंप्यूटर में, तो वो डायरेक्ट उसके साथ लिंक हो जाएगा आपके टिकटॉक अकाउंट के साथ। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को इधर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने क्या करना है टिकटॉक पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही टिकटॉक पोस्ट पे आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपका टिकटॉक अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप लोगों ने उधर से वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जो आप एड चलाना चाह रहे हो, जो अभी मैंने आप लोगों को मोबाइल पे दिखाई थी ना, आप लोगों ने एक वीडियो लगाई थी हुडी की, वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे इधर कस्टमाइज पे आ जाना है, इसको आप लोगों ने ड्रॉप डाउन करना है, एडिट का ऑप्शन मिलेगा एडिट पे क्लिक करना है, इधर से आप लोगों ने डायनेमिक की जगह स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब स्टैंडर्ड में क्यों कह रहा हूं, इधर से हम लोगों ने शॉप नाउ सिलेक्ट करना है। इधर से कोई भी ऑप्शन आप लोग कर सकते हो लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि शॉप नाउ करो। उसके बाद आप लोगों ने इधर यूआरएल में आके अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है, अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल डालना है। अपने स्टोर पे जाओ, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका यूआरएल कॉपी करना है और इधर आके आप लोगों ने उसको पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर ये लिंक था, उसके बाद इधर प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप लोग प्रीव्यू पे क्लिक करो और आपके वो लैंडिंग पेज पे आपको शिफ्ट करेगा। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि हाँ भी हमारा लैंडिंग पेज सही चल रहा है, आप लोगों ने लिंक सही दिया भी है कि नहीं, तो प्रीव्यू लाजमी कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर से कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई चीज नहीं छेड़नी, हमारा इधर से कोई तल्लुक नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम है, इसको हमारा कोई काम नहीं। सिंपल से सबमिट पे क्लिक करना है इधर से आप लोगों ने। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो हमारी जो एड होगी वो रिव्यू में चली जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो चेक करेगा आपकी ऐड को, उसके बाद वो आपकी ऐड एक्टिव हो जाएगी। सो गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होप करता हूँ कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।